सर्विस की मुरली पर मंथन करते हैं। आज प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे अन्य जन्म में तो केवल उस जन्म के लिए हम स्टडी करते आए हैं, परंतु वो चीज अमूल्य होती है जिसका हमें फल बहुत समय तक मिलता है। तो ये जन्म भी बहुत अमूल्य जन्म है, क्योंकि इसका जो हमें फल है वो कई जन्मों तक मिलेगा, क्योंकि अभी ही हम पावन बनते हैं। आज का प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? तो बाबा उत्तर कहते हैं, वह आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे। जैसे खीर होती है ना, मीठी होती है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे ईश्वरीय संतान कहलाने वाले होते हैं, उनकी मुख्य धारणा होती है कि वो आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे, खटास नहीं आएंगी संबंधों में। जो देह अभिमानी मनुष्य है, वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तो शुरुआत तो संकल्प से ही होती है कि संकल्प में किसी के लिए खटास आ जाती है, तो वही फिर शब्दों में और कर्म में आती है। इसलिए अपने संकल्पों पर हमें अटेंशन रखना है कि हमारे संकल्प जो है बहुत ही श्रेष्ठ होने चाहिए और सभी के लिए सकारात्मक होने चाहिए। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती है लड़ने झगड़ने की या उल्टा सुल्टा बोलने की। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। बहुत बड़ा लक्ष्य है कर्मातीत अवस्था को पाना। तो इसके लिए अभी से हमें दैवी गुणों की धारणा की जो श्रृंखला है उसको बढ़ाना होगा। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव। इस देह के जो कर्मेंद्रिया है उसको समेट लो, क्योंकि मुरली भी सुन रहे हैं, हमारी मन और बुद्धि यहाँ वहां जा रही है, तो उसको बाबा कहते हैं स्टॉप कर दो और देही अभिमानी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं बाबा हमें? सृष्टि चक्र के ड्रामा का, फयों कहो कि आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते, जो कि और कोई मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं दे सकते। खुद ही नहीं पता तो कैसे देंगे, और जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो वो नॉलेज होना संभव भी नहीं है मनुष्य के लिए। यह है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। अन्य कहीं जगह पे ऐसा नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। अपना लक्ष्य हम सामने लेके आ जाए, हम क्यों आते हैं यहाँ पर? मनुष्य से देवता बनने के लिए। है वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य, देवताएं भी है मनुष्य, परंतु चूंकि उनमें सर्वगुण है, संपन्न है 16 कलाओं में, तो इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। और मनुष्य जो है खाद पड़ जाती है, इसलिए हम कहलाए जाते हैं मनुष्य। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है, परंतु यह बाप को बुलाते, वो जो मनुष्य से देवता तो बनना है हमें, परंतु अभी मनुष्य से देवता बनने के लिए ही बाप को हम बुलाते हैं और बाप आते हैं। ये ज्ञान हमें पहले भी नहीं था, परंतु बाप आकर ही हमें पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? वो भी विदाउट इनविटेशन नहीं आता है बाबा। हम इतने जन्मों से, इतने 2500 साल से हम बाबा को पुकार रहे हैं कि बाबा आप भगवान आओ, हमें इन दुखों से छुड़ाओ। तब हमारे इनविटेशन पे भगवान आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए। यह तो जानते हो देवताएं पावन है, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य है। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये समझते हैं कि देवताएं पवित्र है, परंतु बनाने वाला कौन है और उसका बनाने की विधि क्या है, ये नहीं जानते हैं। तो बाप अभी हमें समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसी में मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है,
संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। हम देवताएं तभी बनेंगे ना जब यहाँ से हम दैवी गुण के संस्कार लेकर जाएंगे। इसलिए सत्ययुग अभी से हमारा स्थापन हो रहा है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस है दैवी गुणों की धारणा की, हमें अभी ही करनी है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे तभी जो बाप हमें शिक्षा देते हैं उसको हम अपने अंदर 100% ला सकेंगे। अगर देह भान है तो बाबा जो कहते हैं या तो उसमें अपनी मन मत मिक्स कर देंगे या पर मत मिक्स कर देंगे। अपनी आत्मा को कोई जानते नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, देह अभिमानी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं आधा कल्प जो है हम पति थे, फिर आधा कल्प जो है पावन बनने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिससे पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। भल कर्म भोग तो होता है ना, अभी भी कई बीमार होते हैं, कई हिसाब किताब चुप तो करना पड़ता है, कर्म भोग होता है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस जो है हम नियमित करेंगे और ये नियमित प्रैक्टिस ही जो है हमारे विकर्म को विनाश करने में भी मदद करेगी और कर्म भोग को चुप्त करने में भी मदद करेगी। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तभी ब्राह्मण, फिर देवता, फिर शूद्र आदि बनते हैं। आत्मा का तो कोई धर्म भी नहीं है, क्योंकि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु स्वरूप है। तो अब बाप को याद करने की मेहनत है, सहज योग भी है। मगर दोनों पहलू रख रहे हैं, एक ही सिक्का है पर दोनों पहलू है। आत्मा समझ के याद करना बाबा कहते हैं सहज योग भी है परंतु डिफिकल्ट भी है। बाप कहते हैं सहज से सहज भी है, कोई को फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। हाँ, बाबा तो कहते हैं बहुत सहज है, क्योंकि बाबा तो परम धाम में बिंदु स्वरूप में ही रहता है, तो सदैव वो बिंदु की ही स्मृति में रहता है और सभी की कल्याण की भावना रहती है। अब हमारे में नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि सभी बाबा के बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को याद करते हैं। तो जो पूरा पूरा आत्मा समझते हैं तो उनके लिए सहज है, देह भान में आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। घड़ी घड़ी देह भान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसा हो नहीं सकता कि अभी तुम एकरस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। वो तो कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने पर ही होगा, बाबा कहते वही तो हमारा लक्ष्य है ना इस ब्राह्मण जीवन का। कर्मातीत अवस्था को पा ले फिर तो शरीर भी रह ना सके। जब कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो ये पतित शरीर में रह ही नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मा एकदम प्योर बन जाएगी। पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह न सके। कितनी गुह्य बात कही है बाबा ने। ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा बाबा कोई पार पहुंच गया, जब साकार में ब्रह्मा बाबा भी तो पार नहीं पहुंचे थे। ये भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। ब्रह्मा बाबा भी जब बाबा को याद करने बैठते थे और बुद्धि इधर उधर भटकती थी तो बाबा कहते थे मैं अपने आप को चिमटी भर लेता था या एक थप्पड़ लगा देता था कि मेरी बुद्धि कहाँ इधर उधर जा रही है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुलटा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा, देह अभिमान से ही रोला हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं क्षीरखंड है, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना चाहिए, मीठा होकर रहना है। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य है वह उल्टा सुलटा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। जहां मैंपन आता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो कहता हूँ वैसा करना चाहिए, माना ये देह अभिमान की निशानी है, जिससे फिर शब्द भी उल्टे सुलटे निकलते या लड़ना झगड़ना भी होता है। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है।
जानते हो यह शरीर यह दुनिया पुरानी तमोप्रधान है। पुरानी चीज से पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं अगर आत्मा अभिमानी बनना है तो पुरानी चीज को भूलना है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे। बार बार बाबा आज हमें ये स्मृति दिला रहे हैं कि आत्मा समझ के बाबा को याद करेंगे, देह अभिमान को छोड़ेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे, पाप भस्म होंगे। बाबा को क्यों कहना पड़ता है तो उसका रिजल्ट भी बाबा कहते हैं। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं ना, ज्ञान समझाना सहज लगता है परंतु याद की बहुत बड़ी मेहनत है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वो इतना समझ नहीं सकेंगे क्योंकि जिनका बहुत काल भक्ति किया हुआ है अर्थात भक्ति का ही फल ज्ञान मिला है तो वो तुरंत निश्चय बुद्धि झट को बच्चे निकलेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। 5000 वर्ष में बाबा केवल एक ही बार आते हैं। यह वही संगम युग है, लड़ाई सामने खड़ी है। हम देखे कलयुग का अंत, सत्ययुग की आदि, हम संगम युग में हैं, तो इस समय का हमें कितना कितना महत्व होना चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खिदाई खिदमतगार हो गए। कहते हो हम बाबा के मददगार है पतित भारत को पावन बनाने में। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस बल, जितना अंतर्मुखी होंगे एकांतवासी बनेंगे उतना ही योग बल हमारे अंदर बढ़ता जाता है। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। अगर कई बार कहते हैं साइंस बल घमंडी है ना, लगता था कि साइंस सब कुछ कर सकता है पर अभी देखने में आता है कि साइंस को भी मेहनत करनी पड़ रही है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है करंट सिचुएशन में आगे निकलने के लिए। परंतु बाबा कहते हैं हमारा साइलेंस बल कम हुआ ना इसलिए अभी जो पीरियड है लॉकडाउन का वो भी बढ़ गया। अभी हमें और ज्यादा हमारे योग की अनुभूति को साइलेंस बल को बढ़ाना है ताकि सारे विश्व को हम सकाश दे सके। ये मेहनत अभी बहुत करनी बाकी है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, कई तो फिर चले भी गए ना, माया खा गई। योग में न रहने से माया खा जाती है। बाबा हमें पहले ही सावचेत कर रहे हैं अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया खा जाएगी। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। देखो कम पद भी कम मिलेगा और सजाएं भी खानी पड़ेगी अगर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो। गाते भी है ना जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, वहां अर्थात सत्ययुग में तो रावण का राज्य ही नहीं है तो विकार का नामो निशान नहीं है, वहां है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। वह राम राज्य है, यह है रावण राज्य। इस समय सब तमोप्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए। हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, खुद को फाइंड आउट करना है कि बाबा की याद में कितना टाइम रह सकते हैं। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, मुख्य बात अंदर देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। कितनी बातें बाबा ने चेक करने के लिए कही, पहली बात कि हम सारे दिन में बाबा को कितना टाइम याद करते हैं, दूसरी बात कि दैवी गुण हमने कितना धारण किया है, तीसरी बात बाबा ने कही कोई अवगुण तो नहीं है ये चेक करो, चौथा हमारा खान पान कैसा है, बाबा की याद में शुद्ध पवित्र भोजन लेते हैं,
और पांचवी बात कि सारे दिन में कोई भी फालतू बात है ना, वेस्ट बात माना फालतू बात, लीकेज वाली बात, और झूठ तो नहीं बोलते हैं। बाबा फिर रिजल्ट बताते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है, ऐसा कई कहते हैं। फिर मनुष्य धर्माओं निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए, कई मनुष्य कहते हैं कि हमें हमारे बिजनेस के लिए झूठ बोलना पड़ता है, हमारे कार्य में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, तो समझते हैं ये पाप के खाते में जमा हुआ, तो कुछ धर्माओं निकालते हैं फिर कैसे हमारा पुण्य भी जमा हो, अच्छा कर्म करते हैं तो उसका भी रिटर्न मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा, परंतु जो पाप किया उसका भी तो फल मिलना है ना। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती। ऐसा सोचे कि हमने ये पाप किया है तो ये दान पुण्य कर ले तो पाप नील हो जाएगा, तो बाबा कहते नहीं, हर एक चीज का अकाउंट है, जो पुण्य किया उसका भी अकाउंट मिलेगा तो पाप किया तो उसका भी हमें चुकतू तो करना पड़ेगा। वह होती है धन की लेन देन, ईश्वर अर्थ दिया तो ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे भी दिया। एक जन्म बाबा कहते हैं वहां पे भक्ति में भी जो ईश्वर अर्थ करते हैं तो एक जन्म उसका रिटर्न मिल जाता है। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय बाप की याद के और कोई भी उपाय नहीं है। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, यहाँ तो तुमको पावन बनना है। अच्छा, अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ ना, देने वाला है बाबा मुझे, तुम देते हो तो मैं रिटर्न में दे देता हूँ। हम बाबा को देते हैं तो बाबा उसका हमें 21 जन्म के लिए देता रहता है रिटर्न। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं रखता हूँ। यहाँ शिव बाबा कहते हैं मैं, मुझे जो देते हो उसका तो मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए रिटर्न दे देता हूँ। पैसा जो देते हो वो तुम्हारे ही काम लगता है, बाबा तो उपभोक्ता है ना, वो क्या रखेगा। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट मिलता था, अभी डायरेक्ट मिलता है। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। मैं भी सेंटर खुलता हूँ, बाबा ने अपना सारा धन ईश्वर अर्थ समर्पण कर दिया, सारे सेंटर से खोले, तो बाबा कहते आपके पास भी यदि जो कुछ धन है उसे सफल कर दो, उससे सेंटर खोलो, तो अपना 21 जन्म के लिए भाग्य जमा कर देंगे। बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों की ही मदद करता हूँ मैं, थोड़ी ही अपने साथ पैसे ले जाता हूँ, मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, यह तो सब कुछ तुम्हारे लिए है। इसलिए बाबा स्वयं को कहता है मैं तो अभोक्ता हूँ, क्योंकि बाबा अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, सब कुछ हमारे लिए ही है। यह भी तुम जानते हो वही माता पिता है, सब कुछ वही है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु, टीचर को टीचर कहेंगे। इनको अर्थात शिव बाबा को हम माता पिता कहते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कब आया, कैसे आया, क्या किया, यह किसको भी पता नहीं है सिवाय हमारे। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन को नहीं पता, नहीं जानते हैं। चित्र तो लगा दिए हैं उन्होंने, चित्र तो रखे हैं, परंतु जानते नहीं हैं। शिव बाबा करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, और फिर शंकर द्वारा परिवर्तन का कार्य करवाते हैं। ये है एक्टर्स, शिव बाबा है मुख्य डायरेक्टर। और कैसे आकर शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेके हमें पढ़ाते हैं, यह भी बहुत गुह्य बात है। तुम्हारी बुद्धि में है
हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया, फिर एक सेकंड में कह दिया कि तुम्हारी बुद्धि में अभी क्या है कि हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं। जब नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं तो हमारी चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। बाबा कहते हैं सुधरने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुधरेंगे तो अच्छा शरीर अच्छा जन्म मिलेगा। यहाँ भी कहते हैं बाबा जो अच्छे कर्म करते हैं ना वो अच्छे घर में जन्म लेते हैं, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। सभी भाई जितने भी समझो 4-5 भाई भी रहते हैं तो वो आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमर लोक में जाते हैं जहाँ काल नहीं खाता, डर की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा। वर्तमान समय देख रहे हैं ना, जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने अभी 1 महीने का स्टेटिस्टिक्स दिया है कि ये 1 महीने में विशेष भारत में 20% से भी ज्यादा लोगों में भय के कारण बीमारियां बढ़ गई है। ये डर को निकालना बहुत जरूरी है। जो डर है ना इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाना है और वो मजबूत बनाने में भी हमें योग ही मदद करेगा, इसलिए योग बल बढ़ाना है। बाहर निकल नहीं सकेंगे, बाबा कहते इतना डर बढ़ जाएगा कि बाहर नहीं नहीं निकल सकेंगे। सोचो 50 साल पहले बाबा ने हमें ये गाइडलाइंस दे दी है। यह भी जानते हैं यह पढ़ाई कोटों में कोई कोई में कोई पढ़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी है बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। प्रत्यक्ष है ना अभी समय बहुत बहुत थोड़ा बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। बाबा भी उनकी महिमा करते हैं। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने सब हिसाब किताब चुक्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई कोई बच्चे तो बाबा को लिखते हैं कि बाबा हम इतने घंटे याद में रहे। बहुत पुरुषार्थी बच्चे हैं, तो पुरुषार्थ करना है तो इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं, क्योंकि अगर लड़ते झगड़ते हैं आपस में तो बुद्धि वहां जाती है, यह तो जानवरों का काम है। तो बाबा क्या कहते हैं, लड़ना झगड़ना जानवरों का काम है, लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान, बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता है सतगुरु का निंदक हौर न पाए। तो यहाँ पे हम चेक करें अपने आप को कि हमारे मन और बुद्धि में भी किसी के लिए अगर कोई व्यर्थ चल रहा है तो ये संकल्प ही बोल और बोल ही कर्म में आ जाते हैं। अभी तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहा ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया, अब एक ही जन्म में याद करना है, यह है मेहनत। बाबा कहते हैं आधा कल्प कुछ भी नहीं किया और अभी बस एक ही जन्म, उसमें भी बहुत थोड़ा समय बचा है, इसलिए बहुत मेहनत करनी है, याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तभी पाप भस्म कर पाएंगे और सजाओं से और दंड से बच सकेंगे। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है, याद से ही हमारी उन्नति होगी, फिर तो ये ज्ञान प्राय लोक हो जाएगा। एक कल्प का ज्ञान हमें मिल गया, वो पूरा प्राय लोक हो जाएगा, फिर अगले कल्प हमें मिलेगा। अच्छा, आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं पहली पॉइंट, अंदर अपनी जांच करनी है, हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, चेक करना है अपने आप को। दूसरी पॉइंट,
याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई है, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एकरस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। अभी तो टाइम ही टाइम है ना, इसलिए जितना हो सके एकांत में देखो तो टाइम है भी और नहीं भी, कहेंगे टाइम कैसे जाता है पता नहीं। तो अगर अपनी उन्नति में टाइम देंगे तो ये पूर्णा रहेगा, फिर ऑटोमेटिकली इसमें बहुत मजा आता जाएगा। बिंदु बन केवल बिंदु बाप को देखते रहो तो ऑटोमेटिकली बाबा से बहुत प्यार हो जाएगा। अच्छा, आज का वरदान है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना, जहां अपनी देह में या अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है वहां समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान व बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते। तत्त्वम माना जैसे बाप है वैसे ही बाप बच्चों को समान स्थिति में देखना चाहते। वैसे भी देखे ना तो लौकिक में भी स्थूल में भी मनुष्य भी पिता भी अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना चाहता है जैसा वो स्वयं है। तो बाबा कहते हैं हम भी ऐसे ही बनना बने हैं बाप समान, तो ही बाप को पूर्णा रहता है। इसलिए बाप वरदान देता है हमें आज कि बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भवो। वैसे भी देखे तो अभी बहुत समय समीप आ चुका है और बाबा कहता है समय कराएगा तो समय की बलिधारी है, हम खुद संपूर्ण बन जाए तो ये हमारे मार्क्स जमा होंगे और समय आने पर करेंगे तो वो समय की बलिहारी हो जाएगी, तो वो मार्क्स का खाता समय में चला जाएगा, हमारे मार्क्स उतने कम हो जाएंगे। ये अभी भी भले बहुत कम समय है परंतु इस समय को जितना हो सके हम सफल करें स्व परिवर्तन के लिए और एकांतवासी बन एक के अंत में समाने के लिए। स्लोगन है, एक दो के विचारों को रिकॉर्ड देना हो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। जब एक दो के विचारों को हम रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए भी हमारी भावना श्रेष्ठ हो जाती है, तो हमारा भी रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। चले बाबा की याद में स्थिर होके बैठ जाए सभी, योग में बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, अपने आप को स्थिर कर दें मस्तक के बीच में, स्वयं के स्थूल शरीर में, इस शरीर से अलग मैं एक सफेद चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं आत्मा परमात्मा संतान हूं। ये संगम योगी ब्राह्मण जीवन मेरे लिए एक श्रेष्ठ वरदान है। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा उड़ चलती हूं अपने वतन सूक्ष्म वतन की ओर। पहुंच जाती हूं बाप दादा के पास में। बाप दादा मुझ आत्मा को स्नेहपूर्ण दृष्टि दे रहे हैं। समा जाए
बाप दादा के स्नेह में, स्नेह की दृष्टि से। स्नेह से भरपूर होते होते मैं फरिश्ता डबल लाइट हो चुका हूं, बिल्कुल हल्का और चमकीला। कभी बाप दादा एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं को इमर्ज कर रहे हैं, हमारी वरिष्ठ दादियां और अन्य सभी वरिष्ठ भाई और दीदियां एक सर्कल में इस सूक्ष्म वतन में आ चुके हैं और सभी मिलके बाप दादा के पास पहुंच जाते हैं। सर्कल में ही बाबा से पूछते हैं, बाबा अब समय कितना रहा? तब बाबा मुझ फरिश्ते को पुनः पावरफुल स्नेह भरी दृष्टि देते हैं और हमें पूछते हैं, बाबा कि बच्चे अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो? स्वयं से पूछे कि आज मुझे बाबा ले चले तो मेरी मन और बुद्धि की रग इस देह में, देह के कोई वस्तु या संबंध में अटकी या लटकी तो नहीं है? बाबा को अपना रिजल्ट सुनाए। जी बाबा, हम तैयार है, आप जब भी ले चलना चाहो, वी आर रेडी। तब बाबा पूछते हैं, बच्चे अपना योग का चार्ट कितना है? अमृत वेले से लेके रात तक आत्मिक स्थिति कितनी है? क्या किसी को दुख तो नहीं देते हो? क्या अपने अंदर दैवी गुण भरपूर कर दिए हैं? चेक करें, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? हमारा खान पान, चाल चलन सभी रॉयल है? फालतू या व्यर्थ बातों में तो नहीं जाते? चेक करें, हम झूठ तो नहीं बोलते हैं? बाबा को सारा रिजल्ट दे दें और स्वयं को देखें कि ये जो थोड़ा सा समय मिला है, ये मेरी उन्नति के लिए मिला है। बाप की दृष्टि लेते लेते बिंदु बन बिंदु बाप के साथ परमधाम में पहुंच जाए। सभी आत्माओं को क्रॉस करके एकदम ऊपर चमकीला सितारा, मेरा प्यारा शिव बाबा। शिव बाबा के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल पास में आके बैठ जाएं। महसूस करें शिव बाबा से सफेद चमकीली रंग की किरणें मुझ आत्मा पे बरस रही है और ये सफेद चमकीले रंग की किरणें इस आत्मा में जो भी विकर्मों की खाद पड़ी है उन्हें भस्म करते जा रही है। कुछ सेकेंड्स के लिए साइलेंस में
ये सफेद चमकीली किरणों ने स्वयं के विकर्मों को भस्म होता देखे। आत्मा बाप की याद से इस सफेद चमकीली किरणों से बाप के स्नेह से भरपूर हो चुकी हूं। बाबा को दिल से धन्यवाद दे। थैंक यू बाबा, मुझे फक्र है अपने इस जीवन पर। मैं कितना न पदमा पदम भाग्यवान हूं जो दुनिया की हाहाकार की स्थिति में मैं स्वयं को स्थिर और आपके प्यार में मगन हूं। बाबा को धन्यवाद देते हुए बाबा से विदाई ले सूक्ष्म वतन में पहुंच जाए फरिश्ते चोले में और देखे इस फरिश्ते के चोले में मुझ फरिश्ते का आभा मंडल पवित्रता से भरपूर हो चुका है और ये श्वेत औरा आभा मंडल कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन से उतरकर इस स्थूल दुनिया में पहुंच जाता हूं। इस साकार मनुष्य शरीर में और आज रात्रि को सोने से पहले बाबा को अपना पूरा चार्ट दे देता हूँ और कल के लिए भी विशेष अमृत वेले ये रिवाइज कर लेता हूँ। मेरा सारा दिन बाबा की याद में रहे, दैवी गुणों से भरपूर रहे, अवगुणों से मुक्त रहे और खान पान चाल चलन बहुत रॉयल हो, फालतू बातों से बिल्कुल फ्री और झूठ का नामो निशान न हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने आज कहा तत्त्वम, बाप खुद चाहते हैं कि बच्चे मेरे समान बन जाए, जैसे बाप समान अवस्था कहा जाता है, तो बाबा की ये शुभ आश कि जल्दी से जल्दी बच्चे भी तैयार हो जाए और बाप समान बन करके बाबा के पास आ जाए, तो यही संकल्प लेकर के कल अमृत वेले की तैयारी से आज हम अपने को भरपूर करेंगे। धन्यवाद। कल 9 बजे मिलेंगे। हाँ जी, शाम 9 बजे मिलेंगे। आपके भी कांटेक्ट में जो बीकेएस है उनको ये मैसेज भेज सकते हैं। जी दीदी, बिल्कुल, सभी सभी को मैसेज पहुंचा दिया है, सब अपने तरीके से भेज सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। टेक केयर।